Hello everyone, I am back with the 10th lecture of the chapter Mother's Day, written by J.B. Priestley from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed that Mrs. Pearson, who is now impersonating Mrs. Fitzgerald, is at Mrs. Pearson's house, which means she's at her own house, and she has come to see if everything is alright and if everything is going well. And now she sees that nothing is going all right. Cyril, according to her, Cyril is having a quarrel, or you can say misunderstanding, with Mrs. Pearson. And George has also come to know the truth about his image at the club. And she is very worried, and Mrs. Pearson is trying to convince her that everything is going to be okay. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि मिसेस पियर्सन, जो कि अभी मिसेस फिट्ज़रॉय बनी हुई हैं, वो अपने घर पे, यानी मिसेस पियर्सन के घर पे आती हैं और वो देखना चाहती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं. तो उनको पता चलता है कि सिरिल जो है, उसकी बहस हो रही है अभी फ़िलहाल मिसेस पियर्सन से, जो कि मिसेस फिट्ज़रॉय हैं अभी, और जॉर्ज, जिसको उसके इमेज के बारे में, कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में मालूम हो गया है. तो और वो बहुत घबराई हुई हैं कि सब कुछ क्या होगा, कैसे सब ठीक चल रहा है या नहीं. तो सिरिल उसको बताता है, सॉरी, मिसेस पियर्सन उसको कहती है, मिसेस पियर्सन जो कि अभी मिसेस फिट्ज़रॉय हैं, वो उसको समझाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अभी बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे घर का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा, तो तुम चिंता मत करो. जस्ट अ सेकेंड. तो मिसेस पियर्सन, नाउ जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली. अब हम लोग आगे का सिनेरियो देखेंगे. तो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्ज़रॉय बैठ करके बातें कर रही होती हैं, विस्परिंग कर रही होती हैं अपने प्लान के बारे में. मिसेस फिट्ज़रॉय उनको बता रही होती हैं कि सब ठीक रहेगा, टेंशन मत लो, सब तुम्हारे कंट्रोल में रहने वाले हैं, अब आगे देखते जाना तुम. तो इतने में जॉर्ज वहाँ पर एंटर करता है. तो जॉर्ज के एंटर करने के बाद वो ग्लम है, थोड़ा ऐसे मुंह फुलाया हुआ है, बिल्कुल सैड सा है, क्योंकि तो उसको सच्चाई पता चल गई है, जो सच्चाई उसको नहीं मालूम होनी चाहिए थी, और उसके लिए उसकी इमेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वन सेकेंड. तो वो मैसेज जॉर्ज अंदर आकर के बैठता है, उसका मुंह पूरा फुला हुआ है, मुंह फुला हुआ मतलब उदास है, सैड है, बेचारे का दिल टूट गया है, उसके बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं, उसको ये बात मालूम हो गई है. ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज़ द विजिटर. वो शॉक्ड है, शॉक नहीं, सॉरी, सरप्राइज्ड है मिसेस फिट्ज़रॉय को वहाँ देख करके, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि वो अपने पड़ोसन को पसंद नहीं करते हैं. और वो वहाँ पे मिसेस फिट्ज़रॉय वहाँ आकर के बैठी हुई है, तो ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल. ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट. लेफ्ट में एक आर्म चेयर रखा हुआ था, मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था, वो अपने आर्म चेयर पर जा करके बैठ जाता है. सिट्स डाउन हैवली एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप. और वो मुंह फुला करके वहाँ पे जा करके बैठा हुआ है, और वो ऐसा है, एक पाइप आपने देखा होगा सिगार के जैसा होता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, कुछ ऐसा होता है वो, इसमें ऐसे यहाँ पे कुछ फिल करते हैं, और फिर इसको पहले अंग्रेज़ लोग जो होते थे, वो लोग इसको इसमें कुछ फिल करके और सिगरेट की तरह इसको इस्तेमाल करते थे, इसको पीते थे. ठीक है, तो वो भी उसको क्या करता है, लाइट करता है, बैठ जाता है अपने चेयर पर और इसको लाइट करके, और फिर इसको स्मोक करने लगता है. देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्ज़रॉय, हु इज़ रिगार्डिंग हिम एंग्शियसली. अब वो एक बार मिसेस फिट्ज़रॉय की तरफ देखता है और एक बार मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है, और मिसेस फिट्ज़रॉय जो है वो उसको रिगार्ड करके नमस्ते कर रही है. ठीक है, कि जैसे आप किसी के घर में जाते हो तो उसको हेलो या वो करता है, तो वो बेचारी घबराते हुए उसको, जॉर्ज को नमस्ते कर रही है.
जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्ज़रल्ड. तो वो पूछता है कि लगता है आप अभी अभी आई हैं मिसेस फिट्ज़रल्ड. तो मिसेस फिट्ज़रल्ड हु डजंट नो व्हाट इज शी सेइंग, उसको पता ही नहीं कि क्या किस बारे में बात कर रहा है, अभी आई हैं क्यों आई हैं किस बारे में. मतलब जॉर्ज का ये कहना था, जॉर्ज ने ये बात इसलिए पूछी कि अभी अभी आप आई हैं, इसलिए पूछा जॉर्ज ने कि आपने ये जो लड़ाई झगड़ा या वगैरह या जो मेरे बारे में जो बोला गया वो सुन तो नहीं लिया ना इन्होंने, इनको भी तो नहीं ना पता चल गया कम से कम. तो ये बस इसीलिए क्योंकि वो तो मिसेस फिट्ज़रल्ड है ना, मिसेस फिट्ज़रल्ड को भी पता चल जाएगा कि जॉर्ज के बारे में लोग क्या सोचते हैं तो उसके लिए और शर्मिंदगी वाली बात होगी. तो इसीलिए वो पूछ रहा, आप तो लगता है अभी अभी आए हैं ना. और बिल्कुल भी वो ऐसे प्लेजेंटली नहीं बोल रहा है, बहुत ही रूखे सूखे तरीके से बोल रहा है. ठीक है, तो मिसेस फिट्ज़रल्ड कहती हैं वेल येस आई सपोज जॉर्ज. वो कहती हैं कि हाँ शायद हाँ मुझे लगता है हाँ जॉर्ज. उनको नहीं पता वो क्या आंसर कर रही हैं. तो यहाँ पे उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने जॉर्ज को जॉर्ज बुलाया. तो आप सोचेंगे इसमें गलती क्या है, जॉर्ज को जॉर्ज नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे. एक्चुअली फॉरेन कल्चर में हम किसी अनजाने को, किसी बाहरी आदमी को, पड़ोसियों को हम लोग कभी भी उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाते हैं. ठीक है, वहाँ पे जब तक आप किसी के बहुत नज़दीकी नहीं हैं, आप फैमिली मेम्बर रिलेटिव नहीं हैं, तो वो आपको आपके फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकते हैं. ठीक है, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड ही आपको फर्स्ट नेम से बुलाएंगे, नहीं तो वो आपका पहले वो टाइटल और वो आपका फिर सरनेम लगाएंगे. टाइटल मतलब मिस, मिस्टर या मिसेस, और आपका सरनेम मिस्टर सिंह, मिस्टर कुमार, मिसेस कुमार, मिस सिंह, इस तरीके से वो आपको बुलाते हैं. कलीग्स हो गए, पड़ोसी हो गए. तो यहाँ पे मिसेस फिट्ज़रल्ड जो कि एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल पड़ोसी बन के वहाँ बैठी हुई हैं, हैं वो भले ही मिसेस पियर्सन लेकिन अभी तो वहाँ वो पड़ोसी है ना, तो उन्होंने जॉर्ज को, उनकी आदत है अपने हस्बैंड को जॉर्ज बोल करके बुलाने की, लेकिन यहाँ पे वो मिसेस पियर्सन, वो तो मिसेस फिट्ज़रल्ड है ना, तो वो यहाँ पे उसको क्या बुला देती हैं, जॉर्ज. तो ये बात जॉर्ज नोटिस कर लेता है. जॉर्ज कहता है जॉर्ज तुमने मुझे जॉर्ज बुलाया, ऐसे कैसे जॉर्ज बुला सकती हो तुम मुझे. मिसेस फिट्ज़रल्ड नर्वसली, बेचारी घबरा जाती है, ओह आई एम सॉरी, माफ़ करिएगा गलती हो गई. वो बेचारी घबरा जाती है, अब उसकी आदत है अपने हस्बैंड को जॉर्ज बुलाने की, उसको थोड़ी इतना सब कुछ उसके ध्यान में था, वो तो ऐसी थोड़ी सी घबराई भी रहती है हमेशा से. तो अचानक वो प्रिपेयर्ड नहीं थी इसके लिए, वहाँ जॉर्ज अचानक आके बैठ गया तो वो उसको मिस्टर पियर्सन बुलाने की बजाय जॉर्ज बुला दी. तो इतने में मिसेस पियर्सन बीच में आती हैं और वो उसकी बात को ढकने के लिए, मतलब इस बात को कवर अप करने के लिए वो क्या बोलती हैं, वो सुनो. What does it matter? Your name's George, isn't it? Who do you think you are? Duke of Edinburgh? Mrs. Pearson कहती है, जो कि actually Mrs. Fitzgerald है, वो तो sharp minded है, उनका strong headed है. तो वो बीच में तुरंत इस बात को cover up करने के लिए कहती है, George नहीं बुलाएगी तो क्या बुलाएगी तुमको, हुआ क्या है तुमको, What is the matter? क्या तुम्हारा नाम जॉर्ज है तो तुमको जॉर्ज बोल के बुलाएगी ना, हो कौन तुम, क्या लग रहा है तुमको, तुम कहीं के राजकुमार हो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो जो तुमको तुम्हारा नाम लेके नहीं बुला सकती है, व्हाट इज़ द बिग डील, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा नाम ले ली तो. तो यहाँ पे वो उसको और चिड़चिड़ा कर देती है, उसको और गुस्सा आ जाता है कि एक तो पड़ोसन मुझे मेरे नाम से बुला रही है, ऊपर से ये बीच में कूद करके और मुझे ही डांट रही है. तो जॉर्ज, व्हाट्स ही गॉट टू डू विथ इट, जस्ट टेल मी दैट, व्हाट इज एंड इज सॉरी एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, Naughty, Pompey Ompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. George पूरा गुस्से में कि अब Duke of Edinburgh का इससे क्या लेना देना, हो क्या गया है तुमको, कर क्या रही हो तुम, हाँ बता दो मुझे, ज़रा बता दो तो तुम. और ये काफ़ी नहीं है, ये बुरा नहीं है कि एक तो ये मिसेस फिट्ज़रल्ड है जो वो मुझे जॉर्ज बोल करके बुला रही है, और मुझे मेरे लिए तुमने चाय नहीं बना करके रखी है, मुझे लोग बाहर पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुला रहे हैं, मेरी बेटी, मेरी बेचारी बेटी जाकर के देखो ऊपर कमरे में रो रही है, हाँ बहुत देर से रो रही है. तो सब कुछ तो आज बुरा ही हो रहा है, सारी चीज़ें तो ये इतना काफ़ी नहीं था जो ये भी मुझे जॉर्ज बुला रही है, हाँ इन्होंने भी उस लिस्ट में एक चीज़ को ऐड कर दिया है. तो ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत गुस्सा हो जाता है. अच्छा एक और बात यहाँ पे हुई है,
हुआ ये है कि मिसेस पियर्सन को डॉरिस के साथ जो हुआ था वो नहीं पता था, उनको सिरिल के साथ जो हुआ वो पता लग गया, उनको जॉर्ज के साथ जो हुआ वो भी पता लग गया, लेकिन उनको सिरिल सॉरी उनको हाँ सिरिल और जॉर्ज के साथ जो हुआ वो पता लग गया, लेकिन उनको डॉरिस के साथ जो हुआ वो पता नहीं लगा था अभी तक कि हाँ डॉरिस भी रो रही है। तो अब ये और वो हो जाती है कि भाई मेरे पूरे घर को तो उथल पुथल करके रख दी हैं ये मिसेस फिजरेड, कर क्या रही हैं ये तो मतलब इधर मेरा पूरा घर उल्टा पुल्टा हो रखा है, इनको बुरा लग रहा है। वो ये ब्राइटर साइड को नहीं देख रही हैं कि इनके बच्चे लाइन पे आ रहे हैं या इनके बच्चों को सबक सिखाना ज़रूरी था, उनको बुरा लग रहा है उल्टा। तो मिसेस फिजरेड कहती हैं, जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन हैं, वो कहती हैं, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, हे भगवान ये भी मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे पता होना चाहिए था। तो एज अ मदर तो इनको सच में पता होना चाहिए था, लेकिन अभी तो वो मदर नहीं है ना, अभी तो मिसेस फिजरेल्ड है ना, तो उनको क्यों पता रहेगा। तो जॉर्ज भी ये बात सुन लेता है और चिड़चिड़ा हो जाता है वो कि भाई हो क्या रहा है इस घर में, चल क्या रहा है इस घर में, यू ऑट टू हैव नोन, तुमको क्यों पता होना चाहिए था, तुमको पता होना चाहिए था, क्या बोल क्या रही हो तुम, वाई ऑट यू हैव टू नोन, तुमको पता क्यों होना चाहिए था, मेरे घर का मैटर है, मेरे घर का मैटर तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था मिसेस फिजरेल्ड, नथिंग टू डू विथ यू, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है मिसेस फिजरेल, आप अपना काम करिए, लुक वी आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स हियर जस्ट नाउ सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस। वो कहता है कि देखिए मिसेस फिजरेल, ये हमारे घर का मैटर है, हमारे घर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये हमारे घर का कन्फ्यूजन है, हम लोग देख लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, मेरे ख्याल से आपको यहाँ से जाना चाहिए, परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस। सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें दो पक्ष एक दूसरे से सहमति नहीं रख रहे हों, तो इसमें क्या होती है बात बढ़ जाती है, थोड़ा सा बहस हो जाता है, तो उसी को वो कह रहा है कि ये हमारे घर का मैटर है और हमारे अभी हमारे फैमिली का सिचुएशन थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया है, हमारे बीच में असहमति है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमारे घर का मैटर हमारे तक रहने दीजिए, हम लोग समझ लेंगे, आपको फ़िलहाल इसमें नहीं बोलना चाहिए, आप अभी हम लोगों को थोड़ा समय दीजिए और अभी यहाँ से जाइए। इतने में मिसेस पियर्सन फिर बीच में बोलती हैं उसको टोकते हुए, आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, नहीं जाएगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं इनको नहीं जाने दूँगी कहीं जॉर्ज पियर्सन, तुमको तुम क्या, वो इसको इसलिए भेज रहा है जॉर्ज पियर्सन मिसेस फिजरेल को वहाँ से भेज रहा है क्योंकि वो कि आप यहाँ से जाइए मुझे अकेला छोड़ दीजिए इस तरीके से। तो कहती मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगी जॉर्ज पियर्सन, क्या लग रहा है तुमको, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग, कि अगली बार पहले तो तुम मेरी बात सुनो जॉर्ज पियर्सन, तुमको अकेला रहना है ना, हाँ और तुम इनको जाने के लिए कह रहे हो ना, तुम ये तो चली जाएंगे, मैं तुम्हें तुमको छोड़ने वाली हूँ, पहले मैं तुमसे हिसाब करने वाली हूँ, तुम सुनो कि तुम अगली बार से अगर कोई मेरी फ्रेंड या कोई पड़ोसन घर में आते हैं तो पहले तो तुम उनसे बात करोगे, उनको हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आप कैसी हैं ये बोलोगे या कुछ भी बोलोगे, उनसे बात करोगे, टोकोगे उनको, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, ये नहीं कि सीधा आओगे और बैठ जाओगे बिना एक शब्द बोले, इट्स बैड मैनर्स, ये सब हरकतें तुम्हारी अच्छी नहीं हैं, ये सब गलत आदतें हैं। तो वो उसको डांटी कि तुम्हारे में तुमको ये नहीं पता है कि तुम ट्रीट कैसे करना है। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि कोई छोटी बात नहीं है, जॉर्ज ने जिस तरीके से ट्रीट किया है मिसेस फिजरेल्ड को, वो पड़ोसन हैं उनको जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है, एग्जैक्टली सिरिल भी वैसे ही कर रहा था, सिरिल भी उनके आने से नाखुश था, वो नहीं चाह रहा था कि वो अंदर आए या मिसेस पियर्सन उसको अंदर बुलाएं, ठीक है। तो आपके घर में आप जिस तरीके से आपके पेरेंट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चों में आ जाता है, बच्चे सीख जाते हैं उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली वो बिठा के सिखा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है तो पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं, तो इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पे। आप जैसे बिहेव करेंगे, आप जैसे किसी को ट्रीट करेंगे, एग्जैक्टली बच्चा छोटा हो या बड़ा हो वो वैसे ही उसको ट्रीट करेगा। लेकिन मैं एक टीचर हूँ और आपको मैं एज अ स्टूडेंट ये बात समझा रही हूँ कि जब आप बड़े हो जाएँ, जब आप में सेंसेस आ जाए, तो प्लीज़ उस टाइम पर ये बात रियलाइज़ करिएगा, आपके पेरेंट्स ने जो किया वो किया, उन्होंने किसी को किस तरीके से ट्रीट किया नहीं किया वो बात आप भूल जाएं,
और आप कम से कम सही गलत की पहचान रखें कि हाँ ये ट्रीटमेंट सही नहीं है, ये ट्रीटमेंट गलत है. जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स उस किसी पर्टिकुलर को कैसे ट्रीट करते हैं, आप भी उनको वैसे ट्रीट ना करें. ठीक है, ये आपका, अब यू आर बिग इनफ, यू आर मच्योर इनफ कि आप इतना सीख सकते हैं और अपने आप में आप इतना एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सेल्फ एनालिसिस की बात है. ये लेक्चर जो है आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, तो मैं ये मैसेज उनको नहीं दूंगी, मैं ये बात आपको बोलूंगी कि आप ये सीखें कि अगर आपके पेरेंट्स किसी से मिसट्रीट कर रहे हैं, किसी को इल ट्रीट कर रहे हैं, तो आप या तो उनको सिखाएं या खुद इस चीज़ की पहचान करें कि हाँ ये ट्रीटमेंट गलत है, ये ट्रीटमेंट सही है. कोई भी ऐसे ट्रीट होना डिज़र्व नहीं करता है, तो आप भी उसको ऐसे ट्रीट ना करें. स्पेशली जब किसी की कोई गलती नहीं है तो की बात कर रही हूँ मैं. ऑलराइट मिसेस फिट्ज़रॉय, नो नो इट्स ऑल राइट. मिसेस फिट्ज़रॉय बेचारी नर्वस होकर के, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं बोले गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है. तो मिसेस फिट्ज़रॉय अगेन अपने पति की गलती ढक रही हैं. तो मिसेस पियर्सन कहती है, नो इट इज़ंट ऑल राइट, वी विल हैव सम डिसेंट मैनर इन दिस हाउस और आई विल नो द रीज़न वाई. वेल, तो मिसेस पियर्सन कहती है, नहीं. मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्ज़रॉय की तरफ देख करके कह रही है, नहीं ऐसे कैसे ठीक है, कुछ ठीक नहीं है. मुझे इस घर में, मैं लोगों को, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि लोग इस तरीके से किसी के साथ बात करें. मुझे इस घर में लोगों के मैनर सही करने हैं और मुझे चाहिए कि लोग ढंग से किसी के साथ बिहेव करें. अब मैं देखती हूँ ना, मैं रीज़न भी फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, चल क्या रहा है. और अब तो मुझे पता भी चल गया कि बच्चा, पेरेंट्स ऐसे ट्रीट करें तो बच्चे तो करेंगे ना. एंड आई विल नो द रीज़न वाई, कि अब मुझे समझ आ गया है. और वो जॉर्ज की तरफ मुड़ती है और कहती है, रुको, तो कि तुम ऐसे बिहेव करते हो, चलो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कि मैं तुम लोगों को तो अच्छे खासे मैनर सिखा के रहूँगी. और अब तो मुझे कारण भी पता चल गया कि तुमको नहीं आता है ट्रीट करना किसी को, इसीलिए तुम, सिरिल भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है पड़ोसियों को. तो अब तो तुम रुको. तो इसीलिए वो उसकी तरफ मुड़ करके कहती है कि रुको तुम. तो जॉर्ज कहता है, वेल वॉट, क्या क्या रुको, क्या करोगे क्या तुम, क्यों रुको. मैं गुस्सा हो जाता है, इंटिमिडेट हो जाता है, भड़क जाता है वो. मिसेस पियर्सन, Why don't you get off to your club special night tonight, isn't it? They will be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then, don't disappoint them. Mrs. Pearson taunt करती है उसको. Taunt का मतलब होता है ताने मारना. Taunting. वो उसको टॉन्ट करते हुए कहती है कि अच्छा हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जॉर्ज, जाओ ना क्लब जाओ, स्पेशल नाइट है तुम्हारा आज, तुमको आज देरी नहीं हो रही है, क्लब नहीं जाना था तुमको, तो जाओ, आज तो तुम्हारे लिए स्पेशल नाइट है, स्पेशल मैच है, सब तुम्हारे इंतज़ार कर रहे होंगे, सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आएगा, कब हम लोग हंसना शुरू करेंगे. जाओ जाओ, गो ऑन, डोंट डिसअपॉइंट देम, जाओ जाओ, उनको निराश मत करो, जाओ जाओ क्लब जाओ, बैठो उनके साथ, हंसी मजाक करो, वो लोग तुम पे हंसेंगे, और तुम्हारे लिए तो तुमको देरी नहीं हो रही है, जाओ. तो जॉर्ज भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, कड़वाहट के साथ बोलता है, दैट्स राइट, बहुत बढ़िया, एकदम सही, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, अब तुम इसके सामने भी मेरा मजाक उड़ाओ, सॉरी इनके सामने भी मेरा मजाक उड़ाओ, मिसेस फिट्ज़रॉय के सामने भी तुम मेरा मजाक उड़ाओ, गो ऑन, डोंट माइंड मी, बोलो बोलो, मत देखो कि मैं यहाँ हूँ, इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहीं खड़ा हूँ, उनके सामने मेरा मजाक उड़ा सकती हो तुम. सिक्सेज एंड सेवन्स, ऊँच नीच हो रही है यहाँ, कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. और मैं अपने घर का मैटर अपने तक रखना चाहता था कि पड़ोसियों के सामने कुछ ना बोलूं, हमारे घर की बात है, अपने बीच में रहेगी. नहीं, सिक्सेज एंड सेवन्स, पुअर डॉरिस बिन क्राइंग, अभी अभी इनको सब सुनने दो, मेरी बेटी ऊपर रो रही है, गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, पड़ोसियों को बुला करके और उनको पूरे घर का तमाशा दिखा रही हो, तमाशा करवा रही हो घर के बीच में. सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, अचानक से उसका पूरा गुस्सा हो जाता है, वो उसका टेम्पर लूज हो जाता है, वो उठता है, चिल्लाने लगता है, एकदम जोर जोर से हल्ला करने लगता है. ऑलराइट, लेट हर हियर इट, ठीक है सुनने दो, इनको भी सब सुनने दो, इनको भी सब पता चल जाए आज. व्हाट्स द मैटर विथ यू, हो क्या गया है तुमको, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, हैव यू गॉन बामी, तुम पागल हो गई हो क्या, ओ व्हाट, बामी पागल हो गई हो तुम क्या, हुआ क्या है तुमको. वो इस तरीके से पूरा गुस्सा हो जाता है, अपना टेम्पर पूरा लूज कर देता है, भड़क जाता है जोर से. मिसेस पियर्सन,
If you shout at me again like that, George Pearson, I'll slap your big fat silly face. Mrs. Pearson कहती है, आज अगर आज के बाद तुमने मुझे इस मेरे से इस तरीके से बात की है जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुमको तुम्हारे मोटे चेहरे को एक झप्पड़ लगाऊंगी, एक थप्पड़ लगा दूंगी. वेल, इसको इस चैप्टर में फनी मैनर में दिया गया, तो हम लोग भी इसको फ़नी मैनर में ही ट्रीट करें. ये एक अच्छा, मेरे हिसाब से इस चैप्टर में ये चीज़ गिवन नहीं होनी चाहिए थी कि कोई भी पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी एक दूसरे को इस तरीके से ट्रीट नहीं करे, या कितने भी गुस्से में हो, कितना भी इंटिमिडेटेड हो, तो ये बात कहना कि मैं तुमको थप्पड़ लगा दूंगा या तुमको थप्पड़ लगा दूंगी, ये गलत है. तो ये वाला मेरे हिसाब से इस चैप्टर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं. बट स्टिल ये गिवन है, तो इसको हम लोग फ़नी तरीके से ट्रीट करें. दिस हियर वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं. सो जस्ट हियर एंड फॉरगेट, सुनिए और भूल जाइए इस बात को. तो ये बस यहाँ पे फनीली दिया हुआ है. जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बीवाइल्डर. जॉर्ज सॉरी मिसेस फिजरल मूनिंग. मिसेस फिजरल पूरा ऐसे कहते हुए कहती है, नो प्लीज़ मिसेस फिजरल. अब यहाँ पे एक और गलती, क्योंकि वो देख रही है कि ये लोग दोनों कैसे किस तरीके से लड़ रहे हैं, दोनों मिसेस फिजरल और सॉरी मिस्टर पियर्सन एंड मिसेस पियर्सन, क्योंकि मिसेस पियर्सन नहीं है, मिसेस फिजरल है. तो उसको तो लग रहा है कि मैं तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकती हूँ, ये मेरे मैं बन करके ये ऐसे कैसे लड़ रही है, इस तरीके से कैसे बिहेव कर रही है. तो उतने में मिसेस फिजरल जो उठती है, नहीं मिसेस फिजरल, और वो मिसेस फिजरल को कि थप्पड़ लगा दूंगी, इस तरीके से तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती अपने हस्बैंड को. और ये मिसेस फिजरल यहाँ पे ये बात बोल रही है, तो वो मिसेस फिजरल को मना करने लग जाती है कि नहीं मत करिए ऐसे, तो उनके मुंह से निकल जाता है मिसेस फिजरल, जबकि वे तो मिसेस फिजरल वो खुद हैं. तो जॉर्ज सुन लेता है ये बात भी. जॉर्ज कहता है, ईदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर. हाउ डू यू मीन, नो प्लीज मिसेस फिजरल. Look, you are Mrs. Fitzgerald, so why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? Tell her to stop, then there would be some sense in it. I think you must be tiddly. George कहती है, या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम दोनों पागल हो गई हो, ठीक है, या तो मेरा दिमाग खराब है या तो तुम दोनों का दिमाग खराब है. क्या मतलब है आपका मिसेस फिजरल, आप नो मिसेस फिजरल क्यों कह रही हैं, हाँ, जबकि आप खुद मिसेस फिजरल हैं, तो आप अपने आप को क्या मना कर रही हैं करने के लिए, आप तो कुछ कर भी नहीं रही हैं, तो आप अपने आप को क्यों मना कर रही हैं. आपको तो इसको मिसेस पियर्सन को मना करना चाहिए ना, तो आप तब ना कोई सेंस होता है इस बात में, वो लड़ रही है मुझसे, वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो आप अपने आप को ना रोक करके उसको रोकिए ना. और आप तो कुछ कर भी नहीं रही, तो आप उन्होंने मिसेस फिजरल क्यों बोल रही हैं. अब इसको क्या पता कि इसने गलती से बोल दिया, इसके मुँह से निकल गया, तो गलती से मतलब कि वो सही बोली है, लेकिन तुमको क्या पता वो बात. तो वो मिसेस पियर्सन की तरफ देख करके बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुमने पी रखी है, तुमको चढ़ गई है. टिडली का मतलब होता है स्लाइटली ड्रंक, क्योंकि अभी थोड़े देर पहले वो क्या कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी, स्टाउट पी रही थी. तो इसलिए वो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमको चढ़ गई है. मिसेस पियर्सन से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, और वो कमर पे हाथ रख लेती हैं, गुस्से से एकदम उठ करके बोलती हैं, दोबारा बोलो क्या बोले. उसको क्या पता है कि मिसेस फिजरल है, इनको आदत है दो तीन बॉटल ऐसे ही गटक जाने की, बिकॉज शी इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो इनको कभी चढ़ती नहीं है, वो आदत है उनकी. तो यहाँ पे वो इसने तो अपनी वाइफ को पहली बार पीते हुए देखा है स्टाउट, तो ये कह रहा है मुझे लग रहा है कि तुमको चढ़ गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. तो जॉर्ज कहता है, मिसेस पियर्सन कहती है जॉर्ज की तरफ, क्या बोला तुमने, दोबारा बोलो ज़रा जॉर्ज पियर्सन. तो जॉर्ज कहता है गुस्से में, ऑलराइट हाँ बोलता हूँ, क्या बोलूँ, हाँ बोलता हूँ. दोनों पूरा टिपिकल वाइफ हस्बैंड की तरह लड़ रहे हैं, बहुत भयानक तरीके से चिल्लम चिल्ली चल रही है. और मेरी बेचारी मिसेस फिजरल, जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन है, वो ये देख करके शॉक्ड हैं कि हे प्रभु, चल क्या रहा है मेरे घर में, ये हो क्या रहा है, ये मैं नहीं हूँ, और मैं ऐसे कभी नहीं बात कर सकती अपने हस्बैंड से, और मेरा पूरा घर उथल पुथल हो चुका है. उधर मेरी बेटी रो रही है, जिसके बारे में मुझे खबर तक नहीं है. मेरा बेटा जो मुंह फुला के कहीं चला गया है, जिसको डांट दिया इन्होंने इतने बुरी तरीके से. मेरे हस्बैंड, जिनको आज तक मैंने इतना प्रोटेक्ट करके रखा है कि उनको ये सच्चाई का पता नहीं लगने दिया कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और इन्होंने उनको वो सच्चाई जा करके बता दी है, और वो
अभी इस तरीके से बिहेव कर रहा है मेरे साथ, तो अगर जब मैं आऊँगी अब ये तो मैं वो तो उसको तो यही पता नहीं कि वो मिसेस पियर्सन है, तो बेचारी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि उसको लगता है कि पता नहीं क्या ये सब हो क्या रहा है, मैं पागल हो जाऊँगी, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, शी इज़ वेयरिंग द रैप, मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सीट। इतने में दोनों का झगड़ा शांत होता है, मिसेस पियर्सन और जॉर्ज का झगड़ा शांत होता है, और इतने में डॉरिस लेफ्ट से एंटर करती है धीरे धीरे, उसकी वो भी रो धो करके और अपना चेहरा वगैरह पूरा लाल कर ली है, देखने में उसकी हालत बहुत ठीक नहीं लग रही है, मतलब जैसे नॉर्मली वो प्रिटी रहती है वैसी वो नहीं दिखाई दे रही है, और अभी भी उसने वो रैप पहना हुआ है, रैप का मतलब जो कपड़ा पहनते हैं उस तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि रोब की तरह होता है, वो मेकअप वगैरह करने से पहले लोग पहनते हैं, तो इसने अभी भी उसको पहन रखा है। मिसेस फिजरल, हेलो डियर डॉरिस, तो मिसेस फिजरल उसको ग्रीट करती हैं, हेलो बेटा डॉरिस क्या हाल है, तो डॉरिस कहती है मिजरेबली, डॉरिस भी बिल्कुल अच्छे से आंसर नहीं, सैडली आंसर कर रही है, हेलो मिसेस फिजरल आई थॉट यू आर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट, तो मिसेस फिजरल यहाँ पे उसको पूछती है कि मिसेस फिजरल यानी जो मिसेस पियर्सन है मतलब असली वाली उसकी माँ उससे पूछ रही है कि बेटा आज तो तुमको मुझे लगा तुम आज चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली हो रात को बेटा, मतलब इनको पहले से पता था ये बात, तो डॉरिस कहती है व्हाट्स दैट टू डू विथ यू, अब वो चिड़चिड़ी हो जाती है कि एक तो पड़ोसी हैं आप, अपने अपने काम से काम रखिए, आपका क्या लेना देना है इससे, तो सीधे बोलती है इससे आपको क्या मतलब, मैं किसी बेचारी तो 40 पैसे साथ बाहर जाने वाली थी, तो यहाँ पे मिसेस फिजरल जो उसके घर में मिसेस पियर्सन बन गए हैं वो इस पूरे प्लान को चौपट कर देती हैं, और इसका मूड ऐसे ही ख़राब है, एक तो 40 पैसे के बारे में कुछ कुछ बोल भी दी हैं, इसको रुला भी दिए हैं, इसकी आंखें सूज गई हैं, तो सब कुछ बुरा हो चुका है उसके साथ, उस पर कोई आ करके वही वाला तार छेड़ दिया, उसी दुखते रग पे उसने हाथ रख दी उन्होंने, और पूछ दी कि मुझे लगा तुम तो आज 40 पैसे साथ बाहर जाने वाली थी ना, क्या हो गया, तो ये बोलती है आपको क्या लेना देना उससे, मिसेस पियर्सन एकदम तुरंत उठती हैं, कहती है स्टॉप दैट, मिसेस पियर्सन गुस्सा हो जाती हैं, कहती है चुप करो बस हो गया बहुत हो गया, मिसेस फिजरल ना इट्स ऑल राइट, फिर मिसेस फिजरल बीच में मतलब बोल रही हैं अरे कोई बात नहीं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पड़ोस के बच्चे आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं तो जो कि गलत है, तो आपको तो बुरा बहुत लगा या आपको गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन आप पड़ोसी हैं तो आप उसको पीट तो सकते नहीं है ना मार सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, तो उसकी मम्मी आकर के उसको मारने लग जाती है डांटने लग जाती है, तो हम लोग ऐसे सिंपथी दिखाने के लिए मना कर देते हैं कोई बात नहीं बच्चा है रहने दीजिए जाने दीजिए होता है गलती होगी, तो हम लोग ऐसे जाने देते हैं, मन तो बिल्कुल नहीं करता लेकिन फिर भी जाने देते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो मिसेस फिजरल जो है वो कह रही है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं ऐसे बात की कोई दिक्कत नहीं बच्ची है, तो मिसेस पियर्सन एकदम सीरियस होकर के आंसर करती है इट इज़न्ट ऑल राइट, बिल्कुल ठीक नहीं है ये, आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मैं कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी बेटी किसी के साथ इस तरीके से बात करे, बिल्कुल नहीं, नाउ आंसर मिसेस फिजरल प्रॉपरली डॉरिस और गो अपस्टेयर्स, अब मिसेस पियर्सन डॉरिस की तरफ मुड़ करके एकदम गुस्से में कहती है अभी के अभी मिसेस फिजरल को सही तरीके से जवाब दो और तो सीधा ऊपर अपने कमरे में जाओ। डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, और डॉरिस जो है वो बड़े उम्मीदों के साथ अपने पिता की तरफ देखती है कि देख रहे ना कैसे बात कर रही है मेरे से ये मम्मी, तो कैसे चिल्ला रही है मम्मी मेरे पे, कैसे डांट रही है मुझे, आप तो कुछ बोलिए इसमें, क्योंकि उनकी तो आदत लगी हुई है कि किसी भी चीज़ के लिए अपने फादर को तुरंत खड़ा कर देते हैं डिफेंस में, हालांकि ऐसी सिचुएशन आती नहीं होगी घर में क्योंकि अभी तक तो मिसेस पियर्सन कभी उनको कुछ बोलती ही नहीं है, तो फिर भी तो वो बड़े उम्मीदों के साथ अपने पिता की तरफ देख रही है कि आप बोलिए कुछ, डांटिए देखिए किस तरीके से मुझे मम्मी डांट रही है, तो जॉर्ज कहता है डोंट लुक एट मी आई जस्ट गिव इट अप, बेचारा दुखी है और वो कह रहा है मेरे तरफ मत देखो, कोई उम्मीद मत करना मेरे से, मैंने हार मान चुका है, आई गिव इट अप, मैं अब कोई बहस ही नहीं कर पाऊँ, मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है बहस करने की, बेचारे को खुद का दुख तो है ही, उसकी बेटी रो रही थी उसका भी दुख है, और अभी जो उसके सामने ये सब हुआ तो अब वो क्या ही बोलेगा, क्योंकि अभी अभी तो उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई ख़त्म हुई है, और यहाँ पे अब डॉरिस भी जो है वो रो रही है और डॉरिस को वापस से डांट दिया गया, अब वो कुछ बोलेगा तो पता ही नहीं, मिसेस पियर्सन सही में मार दी उसको या जो मिसेस फिजरल है उसको धमकी मिल चुकी है कि उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगेगा अगर उसने दोबारा इस तरीके से बात की, तो इसीलिए वो कहता है कि
नहीं, रिस्क ही नहीं लेना है, मैं गिव इट अप कर गिव इट मैं हार मान चुका हूँ, आई जस्ट गिव इट अप, हो गया मेरा, ख़त्म हो गया. सो आई जस्ट फिनिश द मोस्ट ऑफ द चैप्टर, आई थिंक मैंने ज़्यादातर चैप्टर ख़त्म कर ही दिया है, बस थोड़ा बहुत ही बाकी है. सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अभी तक. थैंक यू वेरी मच.